समस्या है कि अवैध जमीन में कब्जा आरके जी का विरोध है। माहौल अभी कोई क्लियर नहीं है भाई। आरके वाला बटन नहीं दबेगा। मोदी जी का बहुत प्रॉब्लम है और जब से आरके पटेल बना कोई विकास ही नहीं हो यहाँ का। नमस्कार, जनतन टीवी में आपका स्वागत है। हम आ पहुंचे हैं बांदा के जो मध्य प्रदेश बॉर्डर से लगा एरिया है करतल। करतल ये नरैनी तहसील है, नरैनी तहसील की ये करतल क्षेत्र है। और नरैनी तहसील में आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले दो बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विधानसभा सीट जीती है तो 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना परचम फैलाया है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं कि ये चाय की दुकान है। जैसे कि ग्रामीण परिवेश में दुकान होती है, इसको ये आप कह सकते हैं कि ये जो ग्रामीण रेस्टोरेंट है ये वो है। ख़ास तौर पे यहाँ पर टोटल जो ग्रामीण अंचल का जितना भी कल्चर है वो आपको देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में ये मध्य प्रदेश से बिल्कुल लगा हुआ ये एरिया है और यहाँ से बगल में पन्ना ज़िला लगता है और नदी के उस पार थोड़ा सा बढ़ जाइए तो ये छतरपुर ज़िला भी लगता है। यानी कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के दो ज़िले यहाँ पर लगते हैं। यहाँ पर चाय पीते हुए तमाम लोग हैं, कुछ नाश्ता भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन भाई साहब से जो यहाँ पर ये जो ग्रामीण रेस्टोरेंट है जो ये चलाते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा शिव शंकर पांडे। पांडे जी, कब से ये दुकान आप कर रहे हैं? ये मेरी दुकान, मेरी उम्र हो गई, मेरे पिताजी करते रहे। आपके पिताजी भी करते रहे हैं? पुश्तैनी है? पुश्तैनी दुकान है। तो काफी अरसे से यहाँ पे लोग आते हैं चाय पीते? बिल्कुल आते हैं। यहाँ पर क्या चुनावी अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव चल रहा है, पिछले दो बार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती है। वर्तमान सिटिंग सांसद आर के पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो क्या है यहाँ पे, क्या माहौल है इस एरिए का खास तौर पर? यहाँ व्यक्तिगत आर के जी का विरोध है। क्यों? यहाँ कोई विकास नहीं, आर के जी का कोई विकास नहीं। संसद जी द्वारा यहाँ ना तो आते कभी, ना देखे हैं कभी, कभी नहीं देखे, कभी नहीं आते, कभी नहीं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा बुलाया है और मोदी जी के चेहरे का मामला है तो इस मोदी जी का कोई विरोध नहीं, मगर विधिगत आर के जी का विरोध है। तो यहाँ पर क्या लोगों में क्या ओपिनियन है, क्या माहौल चल रहा है? चल रहा है कि आर के हटाया जाए। तो यहाँ पे विकास का कोई काम नहीं हुआ आपके मुताबिक? क्या क्या कमियाँ हैं इसे? यहाँ बहुत कमियाँ हैं, यहाँ ना तो कोई विकास है, ना व्यापार कोई, ना तो यहाँ जितना लाइट की सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे लाइट की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पे जनता इस बार क्या मन बनाया है, क्या परिवर्तन हो सकता है? अभी तो यहाँ टाइम है, 20 मई को वोटिंग है, क्या समीकरण जा रहा है, मगर अभी तो विरोध है। अच्छा, और दूसरे जो प्रत्याशी हैं? अभी यहाँ कोई आए नहीं, अभी यहाँ कोई नहीं आया, जहाँ की आरके भी नहीं आए। ये बॉर्डर का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ विकास नाम का कुछ भी नहीं। कितना वोटर होगा इस पूरे एरिया? पूरा एरिए में वही 4 या 5 लाख वोटर होगा हमारी नरेंद्र क्षेत्र में, तहसील में। तो आपने देखा कि खास बात ये है कि अभी इस एरिए में एक भारी वोटरों की तादाद है। मध्य प्रदेश का सीमावर्ती एरिया है लेकिन इस एरिए में कोई आया नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे इस क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं सोनी जी, उनसे बात करते हैं कि क्या पोजीशन है। सोनी जी, जनतन टीवी में आपका स्वागत है। जी जी जी। सोनी जी, क्या माहौल है यहाँ? माहौल अभी कोई क्लियर नहीं है भाई साहब। असल में क्या है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कभी इस क्षेत्र के बारे में सोचा ही नहीं, जबकि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं जो है यहाँ नहीं है। हमारी विधायिका हैं ओममणि वर्मा जी, चुनाव जब से जीती हैं तब से उन्होंने यहाँ आज तक किसी जन समस्या की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जबकि उनके चुनावी परिणाम ये बताते हैं कि हमारे यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर मुकेरा गांव से जब इधर की वोटिंग खुली थी तभी उनकी जीत हुई थी। अच्छा, यहाँ से ही मेन जो है जीती थी? नहीं,
मुकेरा के उस तरफ तो वो बहुत पीछे थी। इतना सब होने के बावजूद भी आज तक उन्होंने इस क्षेत्र का ध्यान नहीं दिया। ना यहाँ रोजगार है, लोग पलायन कर रहे हैं, नौ युवा जो है बम्बई गुजरात सूरत पुणे भाग रहे हैं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। तो यहाँ पर दावे तो बड़े बड़े हैं, सांसद आर के पटेल का भी ये कहना है कि पटेल जी के बारे में यदि आप कहें तो 5 वर्ष के अंदर शायद एक आध बार आए होंगे, वो भी अपने स्वजातीय लोगों के पास, जनता से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। तो आर के पटेल जो भाजपा के प्रत्याशी, इनका विरोध यहाँ पर है कब? स्वजातियों को छोड़ के से सभी विरोध कर रहे हैं। मेरा अंदाजा है कि इस क्षेत्र में शायद वो इस बार मात खा जाएंगे। तो ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ की नब्ज को पहचानते हैं और बात करते हैं। ये बगल में एक बाबा जी बैठे हुए हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? छेदीलाल। तो छेदीलाल जी, इस बार चुनाव में किसका बटन दबने जा रहा है इधर? अब बटन तो दबेगा, मतलब आरके का नहीं पटेगा, आरके वाला बटन नहीं दबेगा। भाजपा प्रत्याशी का ज़्यादा विरोध हो गया? विरोध है। क्यों है इतना विरोध? अब विरोध यही है कि जब 5 साल मतलब रहे सांसद यहाँ, कभी जब उन्हें दर्शन देने नहीं आए, अगर शायद आ जाए वो, तो अभी यहाँ की जनता ये नहीं बता सकती है कि ये आर के पटेल है। यहाँ पर आए ही नहीं उसके बाद से? अब नहीं है, आते हैं तो अपना जो है रात रात में आए, अपनी जब उनमें याद बिरादरी में पटेलों में अपना मिल गए, बस चले गए। अच्छा ये बताइए छेदीलाल जी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो साथ में है, नरेंद्र मोदी का नाम साथ में है, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर आर के पटेल कितना यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं? यहाँ बहुत है, अगर है जितनी मतलब उनकी जाति मतलब वो होगी वही समझ ले, बाकी और जितनी जातियाँ हैं सब नाखुश हैं। और जितनी जातियाँ हैं वो नाखुश हैं। हालात यहाँ पर जो है टोटल अगर देखा जाए तो सांसद आर के पटेल का भारी विरोध है यहाँ पर। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? इस्माइल। क्या नाम है? इस्माइल। इस्माइल, यहाँ पर क्या पोजीशन है? यहाँ पोजीशन है कि बिजली नहीं आती इधर जी, बिजली का बहुत प्रॉब्लम है, और जब से आर के पटेल बना कोई विकास ही नहीं हो यहाँ का, ना देखने ना झाँकना, कोई विकास ही नहीं हुआ यहाँ का। 5 साल तो झांकने नहीं आया, यहाँ देखने नहीं आया। हाँ, यहाँ तो भारी विरोध है इसका, इस पूरे क्षेत्र में भारी विरोध है उसका। पिछले साल आर के पटेल का यहाँ पे कितना समर्थन किया गया था? बहुत किया गया था, और इस साल नहीं है इसका, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मेन समस्याएं क्या हैं जिससे आप लोग? बिजली है और पानी की समस्या है, बहुत से समस्याएँ हैं कि टावर का समस्या है, टावर की समस्या भी है, टावर का समस्या भी है, सब बहुत सी समस्याएं हैं जी। हाँ, और विकास को, रोड का विकास को नहीं हो रहा है यहाँ, खुद ही डली है बस्ती के अंदर, आप जाइए पूरी रोड ध्वस्त पड़ी है। हाँ, इतना कीचड़ है कि तुम्हें क्या निकल नहीं सकते आप। तो यहाँ पर देखिए कि काफ़ी यहाँ पर लोग नाराज़ हैं, और हमारे साथ कुछ नौजवान हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम धीरू है। धीरू, यहाँ पर क्या माहौल है चुनाव का? तकरीबन ये मान के चलिए कि 1 महीने से भी कम बचा है यहाँ पर वोटिंग का। चुनाव का माहौल तो साहब ठीक है, पर क्या है यार, विकास तो होता ही नहीं है, नाली सड़क कड़क बहुत बुरी पोजीशन है इधर, और जो है तो वोट तो ऐसा है कि मान लो आदमी देगा ही, और सांसद जी को मान लो वोट मिलेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मोदी जी की लहर चल रही है और विकास तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर पिछले बार की अपेक्षा 2019 में जिस तरीके से एकदम लहर थी, आर के पटेल को लोग पसंद कर रहे थे, इस बार विरोध क्यों दिखा? आर के पटेल को पसंद न हो करते हैं, जनता पब्लिक मोदी जी को पसंद कर रही है, उनके बेस पे पब्लिक वोट देती है जो है तो। और बाकी विकास तो इधर मान लो काफ़ी कम हो रहा है, विकास की तो बहुत मारामारी है, ना पावर हाउस है, लाइट भी आप चले जाइए तो बल्ब नहीं जलते, लाइट की समस्या तो जाने कब से चली आ रही है, लाइट का सुधार नहीं हुआ अभी तक, लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अब इस डिग्री के कॉलेज बना उधर तो ना उधर रोड है, बच्चे जाते हैं कीचड़ से, नाली आली है, ना रास्ता है सही, ना रोड बनी है, और बस यही समस्या है।
और हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं कामता प्रसाद जी हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या समस्याएं हैं और यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है। प्रधान क्या समस्या है यहाँ? समस्या है कि अवैध जमीन में कब्जा, पुलिस का लिख कर देन, कोई सुनाई नहीं है। नजरियम से तहसीलदार के यहाँ का कोई सुनाई नहीं हुई, कहते आते हैं दो रोज में, आज तक नहीं आए। सड़कों के नाली की समस्या और पेयजल वाला काम हमारे यहाँ खुदा पड़ा है 2 साल से, कोई सुनाई नहीं है, इससे जो नरक मचा। तो यहाँ पर लोगों में बड़ी नाराजगी है, उनका कहना है कि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, कहना है कि सांसद से भी यहाँ पे लोग बहुत नाराज हैं, उन्होंने भी कोई काम नहीं कराया। नहीं कराते सांसद अंदर, न विधायक कोई नहीं कराता, कोई नहीं कराता, न कराएंगे। तो प्रधान जी यहाँ पर नाला बनाया है तो बस्ती के अंदर जहाँ पे स्था दिया था वहाँ नहीं बनाया, गाँव के बाहर बनाए। तो यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में ये आपकी ये वो जगह है कि जहाँ पे नारायणी की जो आपकी विधायक है, इसी क्षेत्र से आप लोगों ने जिता के भेजा था, नहीं बाकी क्षेत्रों से वो हारी थी, तो यहाँ पे उसके बावजूद यहाँ पर ऐसा क्यों है, ये क्यों उपेक्षा है? तो क्या करें, कहते हैं हाउ भर कहते हैं बस। तो इस बार का माहौल क्या है, चुनावी माहौल क्या है, कैसे? बढ़िया चुनाव माहौल है। नहीं तो आर के पटेल से तो बड़ी नाराजगी है भाजपा प्रत्याशी। नहीं हमारी किसी से नाराजी नहीं, देखो हम बताएं, नहीं, नहीं हमारा किसी से रही है नहीं, आपका नहीं है, यहाँ पर पब्लिक पब्लिक से है, पब्लिक नाराज। हम क्या करें, हमारी तो माउथ है, हम किसी के कुछ नहीं बोल सकते। तो चलिए, और ये यहाँ के ग्राम प्रधान थे, ये अपनी परेशानियों में है। और तो आपने देखा कि ये करतल का एरिया है, नारायणी विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा एरिया है, मध्य प्रदेश से ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर दो जिलों का बॉर्डर यहाँ पे इसकी सीमा से लगता हुआ है। गांव की एक लंबी श्रृंखला है, बीहड़ टाइप का एरिया है, और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जब आकर जब बात की जाती है तो लोगों की मोदी की लहर तो बता रहे हैं, लेकिन साथ में एक बड़ा यहाँ पर जो समस्या है, उस समस्याओं का यहाँ पर अंबार है। डिजिटल इंडिया का, डिजिटल भारत का ये वो हिस्सा है जो आज भी विकास से अछूता बताया जा रहा है। इसके साथ हम और जगह पर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर कहां तक माहौल क्या है और किस तरीके से आगे यहां पर माहौल बनता दिखता है। अब हम आ गए हैं नारायणी क्षेत्र के ही ये शंकर बाजार में, बड़ा घनी आबादी वाला एरिया है, काफ़ी गांव इसमें लगते हैं, और ये यहां का एक मुख्य बाज़ार है। यहां पर ये देखिए, ये तमाम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या माहौल है चुनाव का। भैया क्या नाम है आपका? प्रहलाद राजपूत। यहाँ पर क्या पोजीशन है, चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का बढ़िया है, बीजेपी है। यहाँ पे सांसद आर के पटेल को ही रिपीट किया गया है। चल रही है जी, आर के पटेल साहब की ही चल रही है। आर के पटेल ही चल रही है, हाँ इस एरिया में। हाँ क्या नाम है आपका? अरविंद राजपूत। और यहाँ पर किससे फाइट हो रही है, क्या आपको समझ में आ रहा है? अब ये तो दूसरे प्रत्याशी का पता ही नहीं है कौन सा है। अच्छा। ये तो नहीं बता सकते, लेकिन उन्हीं का चल रहा है, बीजेपी वालों का। बीजेपी, हाँ हाँ। तो यहाँ पर आपने देखा, और यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। हाँ भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद तसव्वर। सरवर यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है चुनाव में? वैसे भी ऑलरेडी हम अपने बिजनेस में इतना बिजी हैं, हमारे पास इतने वो हैं, तो फिर भी वोट तो देंगे ही देंगे। तो क्या माहौल है पहले का? तो देखिए अभी ना यहाँ प्रत्याशी ज़्यादा आ रहे हैं, ना तो कुछ अभी समझ में आ रहा, जैसा प्रत्याशी जो आता है फिर जिस हिसाब से माहौल बनता है उस हिसाब से देखा जा सकता है। ना तो प्रत्याशी कोई यहाँ पे अभी आ रहा है, कोई बैठे हैं इतने बता दे प्रत्याशी आ रहे हैं, कोई प्रत्याशी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ऐसे कैसे कोई बता देगा, कोई आ ही नहीं रहा है। आपका क्या नाम है? पन्नालाल राजपूत। पन्नालाल क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे, क्या समझ? यहाँ अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी प्रत्याशी आ नहीं रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी यहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं है। हाँ नहीं है। तो आपने देखा कि ये बांदा का नारायणी क्षेत्र था, अभी इसके पहले हम लोगों ने करतल में ये किया था, लोगों से जानने की कोशिश की थी, अब यहाँ पर हम शंकर बाज़ार में यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश की है। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी का और मोदी का जो क्रेज़ है वो कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे वो उत्साह अभी फ़िलहाल नहीं है,
और उसकी एक बड़ी वजह भी है कि अभी नामांकन का भी वक्त है, यहाँ पर नामांकन भी नहीं हुए हैं और ख़ास तौर पे जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों की अभी लंबी दौड़ें इस एरिए में लगना शुरू नहीं हुई हैं। ईशान अख्तर, जनता टीवी, नरेनी।